आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रसगुल्ला। साथ ही मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगी कि आप अपने रसगुल्ले को कैसे स्पंजी और स्मूथ बना सकते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीएस टेस्टी फूड। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम लोग इसका इंतज़ार करेंगे कि ये जब तक बॉयल ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। तो अब हम लोग इसमें 2 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। आप चाहें तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर लिया है ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह से फट जाए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से फट जाए। ये देखिए हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह से फट गया है। तो अब हम लोग इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सूती के कपड़े लिया हुआ है और उसमें हमारा फटा हुआ दूध उसके ऊपर डाल देंगे जिससे जो है हमारा छेना और उसका पानी अलग अलग हो जाएगा। ध्यान रहे आप कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करें, इससे जो है हमारा जो छेना है वो अच्छी तरह से छन जाता है और इसका पानी भी अलग हो जाता है। तो अब बाकी पानी को इसके कपड़े को उठा के अच्छी तरह से इसका बाकी पानी भी निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये बहुत गर्म होता है तो आप किसी चीज़ से इसका बाकी पानी निकालें। मैंने यहाँ पे चम्मच यूज़ किया हुआ है और इसे प्रेस कर रही हूँ चम्मच से जिससे ये बाकी पानी भी इसका निकल जाएगा। इस तरह से आप इसे प्रेस करें। तो अब हम लोग इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ वक्त तक। हम लोगों ने 5 मिनट तक इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो आप ये देख सकते हैं हमारा छेना ठंडा हो चुका है और इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल गया है। तो अब हम अपने छेने को निकाल के इसे अच्छी तरह से मथ लेंगे अपने हाथों से। आप जितना अपने छेने को मथेंगे ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो आप इसे अच्छी तरह से पहले अच्छी तरह से फेंट लें। तो ये देखिए हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम लोग इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच मैदा ऐड करके इसे फिर से अच्छी तरह से मथ लेंगे। मैदा से जो क्या है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। जब हम लोग इसे अपनी चाशनी में डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं और सोडा से ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो ये देखिए देखने में कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसे पेड़े बना लेते हैं और इसे रसगुल्ले का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के रसगुल्ले का पेड़ा काट लिया है। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का रसगुल्ला बनाऊंगी। आप चाहें तो आप अपने अनुसार से इसका साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। अब मैं इसके अपने हाथों से इसे राउंड शेप दे दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं अपने बाकी के भी डो को अच्छी तरह से रसगुल्ले का शेप दे दूंगी। ये देखिए। तो अब हम लोग एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे।
और इसे हल्का गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा पानी हल्का गर्म हो गया है, तो अब हम लोग इसमें 1.5 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। हमने छोटी कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी इसमें ऐड कर लिया है। अब हम अपने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो चीनी मेल्ट होने के बाद हम लोग इसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ जो कि सूखी हुई हैं वो ऐड कर लेंगे। सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ, 1 छोटा चम्मच इलायची कुटा हुआ, 1 छोटा चम्मच इलायची कुटा हुआ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों से हमारा जो रसगुल्ला है उसमें एक अलग फ्लेवर आएगा, एक अलग महक आएगा और वो रसगुल्ले को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो अब इसमें 1 उबाल आने के बाद हम अपने रसगुल्ले को इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे आपका चाशनी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने रसगुल्ले को चाशनी में ही पकाना है। तो वो जब हल्का ही गाढ़ा हुआ हो, जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, तो 1 उबाल आने के बाद हम अपने रसगुल्ले को ऐड कर लेंगे और अपने रसगुल्ले को उस चाशनी में ही पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा रसगुल्ला कितना फूल चुका है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है। ये आप देख सकते हैं ये कैसे फूल चुका है। तो इसे हम लोग थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा रसगुल्ला अच्छी तरह से फूल चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम लोग कर लेंगे गैस को ऑफ। ध्यान रहे इस जब आप रसगुल्ले को पकाएं तो हमारा गैस का मीडियम कम हो। तो ये देखिए हमारा रसगुल्ला बन के रेडी है। तो अब हम लोग इसे 1 कटोरी में निकाल लेंगे। ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे इस रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।